ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। अब महंगे दिन खत्म, क्योंकि कांग्रेस की सरकार करेगी डीजल पेट्रोल सस्ते। अब महंगे दिन खत्म, क्योंकि कांग्रेस की सरकार करेगी मेरी रसोई गैस सस्ती। सुनो जी, अब बिजली बिल होगा कम, क्योंकि बिजली मिलेगी 1 रुपए प्रति यूनिट 100 यूनिट तक। अच्छा, तो फिर हमारा वोट किसको? हमारा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। अरे अम्मा, अब तो पूरे 1000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी तुमको। और भैया, आपके लिए भी आने वाला है नया सवेरा, जिसमें मिलेगी निशुल्क जमीन और घर बनाने में 2.5 लाख की सहायता भी। और इतना ही नहीं, आपके परिवार को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का बीमा और 21,000 रुपए की प्रसूति सहायता भी। और अब हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर होगा बड़े से बड़े रोगों का विशेषज्ञों द्वारा इलाज। तो बोलो, हमारा वोट किसको? हमारा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। जनता की उठी आवाज, कुशासन से लेंगे राज। भ्रष्टाचार प्रदेश में अब ना चलने वाला है, वक्त बदलने वाला है। अब कांग्रेस, ओ अब कांग्रेस। प्रत्येक महिला को मिलेगा सुरक्षा कवच वाला स्मार्टफोन, और प्रदेश की बेटियों के लिए प्राइमरी से पीएचडी तक की शिक्षा होगी निशुल्क। युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता। व्यापम होगा बंद और मिलेगा कारोबार के लिए आसान कर्ज। किसानों का कर्जा माफ और होगा बिजली बिल हाफ। व्यापारियों को मिलेगी सभी करों पे छूट एवं शुल्क में भी होगी कमी। मालवा से निकली आवाज, बुंदेलखंड ने किया ऐलान। बघेलखंड ललकारा है, निमार ने भी पुकारा है। महाकौशल ने दी आवाज, चंबल ने भी गुहारा है। वक्त बदलने वाला है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने अंदाज में कहा, चौकीदार चोर है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला, नर्मदा रेत खनन और तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मुझ पर मानहानि का दावा क्यों नहीं कर रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कई सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को आड़े हाथों लिया। बुधनी में कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव के पक्ष में चुनावी सभा संबोधित करने पहुंचे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला, बोलते हुए उन्हें चौकीदार नहीं चोर कहकर संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेरे द्वारा भूल से पनामा पेपर में उनके पुत्र का नाम लिए जाने पर मानहानि का दावा दायर करने की बात कही, जबकि मैंने कहा कि हम यह भूल से नाम लिया है। लेकिन जब मैं शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध व्यापम घोटाले, अवैध नर्मदा रेत खनन और तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों की बात कर रहा हूं, तो शिवराज सिंह चौहान मेरे पर क्यों मानहानि का दावा नहीं कर रहे। पूरा प्रदेश रेत के माफिया को पकड़ा दिया, मिट्टी मिल स्कैन किया, और चाहे वो व्यापम हो चाहे दूसरे घोटाले, शिवराज चौहान जी और उनके परिवार का नाम इन सब में आपको मिलेगा। मैं एक बात आपको बताता हूं, गलती से मैंने कुछ दिन पहले यहां पैनामा पेपर्स की बात कर दी। मैंने बोला कि शिवराज चौहान जी का जो बेटा है वो पैनामा पेपर्स में लिप्त है। गलती हो जाती है, क्योंकि वो रमन सिंह जी की बात थी। अब इतना भ्रष्टाचार है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, कभी कंफ्यूज हो गया। मैंने सोचा भैया उसका बेटा है, नहीं उसका नहीं था, इसका था।
क्या बोल दिया? आपने देखा होगा एक मिनट में शिवराज चौहान जी ने कहा मैं राहुल गांधी पे डिफेमेशन का लॉसूट लगा दूंगा। देखा आपने, डिफेमेशन का लगा दूंगा। तो शिवराज चौहान जी आपसे एक सवाल, मैं व्यापम की बात करता हूं, मैं ई टेंडरिंग की बात करता हूं, मैं इलीगल माइनिंग की बात करता हूं, मैं मिड डे मील की बात करता हूं, जब मैं इनकी बात करता हूं आप डिफेमेशन की बात क्यों नहीं करते? राहुल गांधी ने राफेल घोटाले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि यूपी की सरकार में एक राफेल विमान का 56 करोड़ में सौदा तय किया गया, लेकिन एनडीए की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ अनिल अंबानी को फ्रांस बैठा कर ले गए और पेरिस में उन्होंने अनिल अंबानी की कंपनी को राफेल का पार्टनर बनवा दिया, जबकि कंपनी को बने हुए महज 10 दिन ही हुए थे, जबकि हमने एचसीएल कंपनी को पार्टनर बनाया था। अनिल अंबानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे 300 करोड़ का लाभ दिलवाया है। राहुल गांधी ने अपने लोक लुभावने भाषण में कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले 10 दिन में किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब व्यापम बंद, अब नौकरियों में मिलेगी पारदर्शिता। हाँ पता है, अब करेंगे स्टार्टअप चालू, क्योंकि पूरे 4,000 रूपए महीना स्वरोजगार सहायता जो मिलने वाली है। बिल्कुल सही कहा, अब मुझे भी टेम्पररी संविदा नौकरी की टेंशन खत्म, अब मिलेगी पक्की नौकरी और पक्की तनख्वाह। और तो और अच्छी सैलरी और जॉब के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जॉब्स यहीं आएंगे। कांग्रेस सरकार देगी हमारी तनख्वाह में 10,000 तक का योगदान। ये बात तो बोलो यारो, तुम्हारा वोट किसको? हमारा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। देखो अब मुझे मिलेगा सुरक्षा कवच वाला स्मार्टफोन। स्वावलंबी महिलाओं का वक्त बदलेगा, क्योंकि हमारे स्व सहायता समूह के भी कर्ज होंगे माफ और नए कर्ज में मिलेगी रियायत। अरे अब मेरी बेटी की संपूर्ण शिक्षा होगी निशुल्क और अब महिला स्वास्थ्य में आएगी नई क्रांति, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन होंगे निशुल्क उपलब्ध। तो बताओ हमारा वोट किसको? हमारा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब किसानों के हक का पैसा जन आशीर्वाद यात्राओं में खर्च हो जाता है, जब जनता के स्वास्थ्य का पैसा बड़े बड़े आयोजनों में उड़ जाता है, और ये गुस्सा आता है जब बच्चों की शिक्षा का पैसा गलियों में होर्डिंग बनके टंग जाता है, जब कर्ज में डूबी हुई सरकार का खजाना विज्ञापनों में खाली हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश का एक नागरिक हूं और अब मुझे भी इस विज्ञापनों वाली भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।